माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित सेट व अन्य परीक्षाओं की पात्रता अंकों में 5% की रियायत की सदन का ध्यान आकर्षण करता हूं। मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 5% की छूट दिया जाना सेट में, इस संबंध में लेख है कि प्रदेश में अंतिम बार सेट परीक्षा आरपीएससी अजमेर द्वारा 2013 में कराई गई थी। राज्य सरकार द्वारा सेट परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लेकर विभाग के पत्र दिनांक 17/10/22 द्वारा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह परीक्षा 26/3/2023 को 30 विषयों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सेट परीक्षा में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया अनारक्षित वर्ग के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% अंक है। सेट परीक्षा में आरक्षित वर्ग को पात्रता अंकों में 5% की छूट दी गई है। इनमें एससी एसटी ओबीसी विशेष योगजन एवं थर्ड जेंडर शामिल है। इसके लिए पात्रता स्नातकोत्तर में 50% अंक है। इसी तरह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेट परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को 5% छूट देने के आदेश जारी कर दिए थे, जिन्हें यूजीसी नेट ब्यूरो के पत्र दिनांक 7/10/22 के आलोक में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता का उत्तीर्ण अंक से 5% को देय छूट को विलोपित कर दिया। ऐसी व्यवस्था में महाराष्ट्र राज्य ने भी सेट पर में सेट परीक्षा में रखी गई, उसमें भी उन्होंने नहीं दिया। 1950 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। सेट परीक्षा के आयोजन से राज्य के उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त पदों की भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सेट परीक्षा हेतु कुल 1,35,323 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अपियर होने वाले कुल विद्यार्थियों के 6% को पात्र घोषित किया जाएगा। 5% का, क्योंकि यूजीसी से आप केंद्र सरकार का है, वहां से अगर आप कराते हैं तो वो छूट हम आपको यहां दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि ईडब्ल्यूएस लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, और इस रिजर्वेशन को लागू करने का कारण भी अध्यक्ष महोदय ये था। आज भी कई परीक्षाएं ऐसे आयोजित की जाती है, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, अब इन्होंने भी मापदंड 60% का रख रखा है कि 60% कम अंक वालों को हम पात्र नहीं मानेंगे, जबकि राज्य सरकार रीट परीक्षा के अंदर भी इनके अंदर संशोधन जारी करके और अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको छूट दी गई है। मेरा अध्यक्ष महोदय सिर्फ सामान्य सा निवेदन इतना ही है, आज विद्यार्थी बीएड की परीक्षा पीटीटी देते हैं तो उनको भी यूजीसी के बारे में अपन रिकमेंड कर सकते हैं, वी कांट डिक्टेट इट। नहीं, राज्य सरकार संशोधन कर सकती है अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है। उसके अंदर भी इन्होंने रीट परीक्षा में भी यूजीसी की क्वालिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट डाइल्यूट नहीं कर सकती है, आप खाली रिकमेंड ही कर सकते हो। आपकी भावना को सरकार यूजीसी को लिख के भेज जी, बिल्कुल। ये अगला ध्यान आकर्षण श्री संजय शर्मा।